दूसरा कि अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। तीसरा जो किसानों के लिए फर्टिलाइजर और दूसरे पेस्टिसाइड इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा, ये सारी चीजें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। और इतने हादसे रेलवे में हो रहे हैं, वो रेलवे में रेलवे का तो ऐसा हो गया है ना, इधर का ना उधर का, ये तो पैकेज की बात है। कल किसी और को तो हो सकता है बिहार और आंध्रा के लिए बड़ा पैकेज लेकर के आए। एक सवाल है सर, क्या आपको लगता है कि इस बजट से समाजवादी खुश है? देखिए, जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार जब चलती है सरकार के फैसलों से असर पड़ता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो अर्थव्यवस्था हमारे देश की है आज, और जो समस्याएं देश के लोगों के सामने हैं, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, खास तौर पे फूड इन्फ्लेशन, ऐसे चीजों के बारे में उनको सही ढंग से जिस तरीके से एड्रेस करना चाहिए था वो नहीं हुआ। इस हालत में जो चाहिए था वो ये था कि खर्चा जो है, सरकारी खर्चा, वो बढ़े। बढ़ने की जगह सरकारी खर्चा जीडीपी के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो वो रेशियो, जो एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो घटा है।